अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका बीटीसी तृतीय सेमेस्टर 2019 में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपके संस्कृत सब्जेक्ट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे सबसे ज्यादा जो डरते हैं वो संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर ही डर रहता है कि क्या होगा संस्कृत में। तो दोस्तों जो आपके पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इस उन क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो की आपकी पार्ट वन सीरीज है, इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस जल्दी से दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है। जी हाँ दोस्तों, जो रेड कलर वाला बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइब वाला, उसको हल्के से टच कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो दूसरा चौथा विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। तो पहला आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, स्वर होते हैं उदात, अनुदात, स्वरित या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में आते हैं तो आपको वहां पर तो लिखना पड़ेगा, तो याद भी आपको दोस्तों साथ साथ करते हुए चलना है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला विकल्प है आपका कंठ, दूसरा जिन्ना, तीसरा सिरस, चौथा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर द। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों आपके, चार प्रकार के, ठीक है इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उसमें व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, ये भी आपके चार होते हैं, इसको भी आप लोग टिक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14। अब दोस्तों देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है, कितनी होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, अब दोस्तों आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, संस्कृत भाषा में कुल स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, विकल्प नंबर ब, और आंसर होगा 21। अब दोस्तों नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन है, तो दोस्तों कुल कितने व्यंजन होते हैं संस्कृत भाषा में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प 25 व्यंजन। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, संस्कृत भाषा में यम है, कितने दोस्तों आपके, चार, ठीक है इसको टिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे हमने पहले अभी 10 क्वेश्चन देखे, और 10 क्वेश्चन में जिन बच्चों ने कम से कम 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो उनकी तैयारी ठीक ठाक है संस्कृत में। और दोस्तों जिन बच्चों को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो अभी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखे दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इसका एक रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विकल्प 2। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संधि के भेद है, कितने होते हैं दोस्तों, अच्छ संधि या स्वर संधि, दूसरा है दोस्तों आपका हल संधि या व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि, चौथा है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उपेंद्रह में संधि है, कैसी है दोस्तों आपकी, गुड़ संधि, ठीक है आप इसको याद कर लीजिए। 14 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं, यद्यपि में संधि है, कैसी है दोस्तों आपकी, यट संधि, इसको दोस्तों आपको याद करते हुए चलना है क्वेश्चन को। अब दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, गंगा में संधि है, कौन सी दोस्तों आपका, अनुस्वार संधि, ठीक है इसको याद करते हुए चलना है दोस्तों। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, छात्रापि में संधि होती है दोस्तों, कैसी है आपकी, सुलोप संधि, कैसी संधि दोस्तों आपकी, सुलोप, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पावक में संधि है, कैसी संधि दोस्तों आपकी, अयादि संधि, ठीक है आप इसको याद करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए दोस्तों, भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, या दोस्तों आ प्लस ब, दोनों विकल्प के लिए। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोनों विकल्प के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, द्वंद्व समास के भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व या उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त तीनों। अब दोस्तों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास के भेद हैं,
पहला विकल्प दोस्तों आपका समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण, तीसरा विकल्प है आपलब्ध दोनों, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा तीसरा विकल्प आपलब्ध दोनों। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, भ्रातरों में समास है, कैसा समास है दोस्तों, एक शेष द्वंद्व समास, ठीक है, इसको दोस्तों आप याद करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्या धनम में समास है, तो दोस्तों इसको कौन सा समास है आपका, रूपक कर्मधारय समास, ठीक है, विद्या धनम में। अब दोस्तों देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, कितने दोस्तों भेद होते हैं तत्पुरुष समास के भेद, इसके दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं। आप दोस्तों देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दशा आनन यस्य समास विग्रह के बाद शब्द होगा, कैसा होगा दोस्तों आपका, दशा आनन, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं, कितने दोस्तों भेद होते हैं इसके, 2 भेद होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पहले हो चुके हैं। अब दोस्तों देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, शब्द बनते हैं कैसे दोस्तों, बनते हैं वर्डों के संयोग से, ठीक है, आपके शब्द वर्डों के संयोग से बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, देखिए पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में ये तीनों लिंग तो होते ही होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, फल शब्द में लिंग है, कैसा लिंग है दोस्तों आपका, अकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है, इसको भी दोस्तों याद रखना है कि अकारांत भी होता है और होता है नपुंसक लिंग। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि शिशु शब्द है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उकारांत पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इका लिखा है, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, रियल आंसर उकारांत, ठीक है, और दोस्तों जो ये पुल्लिंग लिखा वही होगा आंसर, ठीक है, इसका ब विकल्प गलत है, क्योंकि शिशु तो आपका 8 वर्ष का आपका एक बच्चा हो सकता है, ठीक है, 8 साल तक का, तो शिशु शब्द आपका उकारांत पुल्लिंग है। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती, क्या नहीं होती दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका संबोधन, ठीक है। अब दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, संस्कृत में अस्मत तथा युष्मत के रूप तीनों लिंगों में क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के रूप में क्या होगा दोस्तों, बालकाएं, चतुर्थ विभक्ति प्रथम वचन के रूप में, तो दोस्तों ये आप संस्कृत की बुक में एक बार देख लेंगे, जिससे दोस्तों आप लोग को और प्रैक्टिस होगी कि कैसे है? अगर कुछ और पूछा जाएगा, पंचम विभक्ति प्रथम वचन द्वितीय वचन, तो कैसे करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, नपुंसक लिंग है, ठीक है, नपुंसक लिंग क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर एते, ठीक है ना, वह विकल्प को टिक करेंगे। अब दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, के रूप है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, स्त्रीलिंग। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 36 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या होती है, कितने लकार होते हैं दोस्तों आपके, 5 लकार होते हैं। 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, त्र धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, क्या होगा दोस्तों आपका, श्रेयस्यति, ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, श्रेयस्यति, ठीक है। 38 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कि दृश धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा, दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, पश्यावः, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। अब दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन के रूप में होगा, क्या होगा दोस्तों आपका, लबंताम, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप में होगा, दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अस्त, ठीक है, उसको याद कर लेंगे आप लोग। दोस्तों 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, कर्म कारक में विभक्ति होती है, कैसी होती है दोस्तों, कर्म कारक में विभक्ति कैसी होती है आपको यह बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक में विभक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फिलहाल विकल्प में दिया नहीं गया है, तो इसका सही आंसर लेकिन दोस्तों आपका हो जाएगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं, अगर पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर दिया जाएगा, तो कर्म कारक में आपके द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ पर सिर्फ विभक्ति लिखा था तो लेकिन पूरा आंसर होगा, देखिए प्रथमा तृतीया दिया गया था लेकिन द्वितीय नहीं दिया गया, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका द्वितीय, ठीक है। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, नाम मात्र में विभक्ति होती है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका प्रथमा विभक्ति, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्म कारक का चिन्ह है कैसा दोस्तों, को, इसको आप याद रखेंगे, कर्म कारक को, ठीक है। 44 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है,
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कहां पर होता है दोस्तों? द्विकर्मक धातु में, ठीक है, द्विकर्मक धातु में। अब दोस्तों देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। नौ नवति शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा निनावे, ठीक है, निनावे में दोस्तों नौ नवति शब्द का अर्थ है। 46 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सहस्रम का अर्थ होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, रामकृष्णो शब्द में समास होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है ना, रामकृष्णो में। 48 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, त्रिलोकी शब्द है कैसा दोस्तों है, द्विगु समास। 49 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, इसको देखते हैं, राजपुत्रा में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, इसको टिक करेंगे, सा नंबर विकल्प। अब दोस्तों देखते हैं 50 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, श्रुत लेख। जब दोस्तों हम किसी बात को सुनते हैं और उसके बाद लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रुत लेख। अब दोस्तों देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुलेख, ठीक है ना दोस्तों, अगर जैसे कहीं पर कोई वाक्य लिखा उसको देख देख कर आप लोग लिख रहे हैं तो उसको हम अनुलेख बोलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे दोस्तों हम कहते हैं सुलेख। जी हाँ दोस्तों, बचपन में आपने सुलेख को ढेर सारा लिखा होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाज के भेद होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, आपके 6 भेद होते हैं, समाज के आपके 6 भेद होते हैं। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है किसका दोस्तों, आपका धातु का, ठीक है, उपसर्ग का यूज करके हम लोग। 55 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है कैसा हो जाता है दोस्तों, चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण या आ प्लस ब दोनों, दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सा, आ प्लस ब दोनों। अब दोस्तों देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, कृदंत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय या आ प्लस ब दोनों दोस्तों, तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर सा सही आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, कि संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं वाच्य में, दोस्तों क्या अंतर होगा दोस्तों, संस्कृत की वाक्य की क्रियाएं होती हैं तीन वाच्य में, ठीक है, विकल्प नंबर बा सही आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, चार्ट का प्रयोग उपयोगी होता है कहां पर दोस्तों, संधि विच्छेद का स्वरूप स्पष्ट करने में, दूसरा विकल्प है समास के प्रकार जानने में, तीसरा विकल्प है उपसर्ग तथा प्रत्यय को समझने में, और चौथा विकल्प दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या हमारा, मॉडलों का प्रयोग होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को दर्शाने में, इमारतों तथा स्थानों को दर्शाने में, या दोस्तों आ प्लस ब दोनों, तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा सब नंबर पहला। तो दोस्तों बड़ी बड़ी वस्तुओं को दर्शाने में भी होता है मॉडल का प्रयोग, इमारतों तथा स्थानों को दर्शाने में भी हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका गुरु का, गुरु ही होगा। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मुनि। अब दोस्तों देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका नदिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, उससे आपको दोस्तों ये फायदा होगा ना, आपको एक बार रिवीजन भी होगा और आप लोग इसको और अच्छे से इसको डीपली पढ़ पाएंगे। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर होगा धेनवा, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। 64 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, तीन त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रय, ठीक है, आप इसको याद करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा से या अलग होना, ठीक है, अपादान से बोलते हैं ना हम लोग। 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नारिकेलम। 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेवम, ठीक है, सेब को तो बढ़िया सेवम नारिकेलम याद हो गया आपको। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सरसरपह, ठीक है, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका संज्ञाएं आपकी 6 प्रकार की होती हैं। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, गाड़ी को संस्कृत में कहा जाता है क्या बोलते हैं दोस्तों, सकटह, ठीक है ना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि गाड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता
होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग का क्या है। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ठीक है, अब दोस्तों देखें 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। एको त्वरिता शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है आपका 39। ठीक है ना, इसको अच्छे तो दोस्तों देखिए संस्कृत में जो आपकी गिनती होती है उसको एक बार आप लिख कर एक से लेकर 100 तक पढ़ लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों हर बार आपके पेपर में आ ही जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। चोर भयम में समास होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों, क्या आंसर होगा आपका, पंचमी विभक्ति का। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बालको दृश्यते। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 14। 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, पावका में संधि होती है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अयाद संधि। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, स वर्ण का उच्चारण होता है कहां पर दोस्तों, आपका दंत में। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, त्रेश तो अरिष्टता शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, इसका अर्थ दोस्तों आपका 43। ठीक है, 80 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, पंचवटी में समास होता है, इसका होगा दोस्तों आंसर द्विगु समास। अब दोस्तों देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ओम में ओ के आगे एस बना एस है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लूत स्वर। ठीक है ना दोस्तों, जो आपके सामने ओ एम में एस आपका एक बना है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूत स्वर। अब दोस्तों देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 82 नंबर ई वर्ड का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तालु। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, पितृ पद में कौन सी संधि होती है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति। ठीक है, 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, चतुर्विंशति का अर्थ होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। 86 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका, लट लकार। क्या होगा आंसर, लट लकार। अब दोस्तों देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त। ठीक है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्यावाची शब्द सरस्वती अंक का वाचक होगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा आपका, 96। ठीक है, 96, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 89 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कर्ता का इष्टतम कारक होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्म। ठीक है, विकल्प नंबर 10 बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों आपका, दीर्घ संधि। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। 91 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, संख्यावाची शब्द एक नौ विंशति अंक का वाचक होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, चाहे अगर दोस्तों आप लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में भी रहे होंगे तो दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन आपने पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 19 का पहले भी पूछा जा चुका है। 92 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति। तो 293 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, इकोएडची सूत्र है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अयाति संधि का। ठीक है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दो। ठीक है ना, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या आपकी दो होती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 95 नंबर क्या रहा, चंद्रशेखर में समास है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आज हमने देखे संस्कृत के 95 क्वेश्चन देखे, और जिन बच्चों ने दोस्तों 95 में से 25 से अधिक दोस्तों प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो मतलब समझ लीजिए आपकी संस्कृत ठीक ठाक है, बहुत अच्छी दोस्तों नहीं कह सकते, लेकिन पहले अटेम्प्ट में 25 से अधिक क्वेश्चन के सही आंसर करना एक बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, और जो बच्चों ने 25 से कम क्वेश्चन के सही आंसर किए तो उनको दोस्तों अभी बहुत ही अधिक
इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब उनको कोशिश बहुत ज्यादा करनी है दोस्तों, जिससे कि अगले 2 अटेम्प्ट में वो 95 में से कम 70 से अधिक क्वेश्चन के सही आंसर कर पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, जिन बच्चों ने 25 से कम उत्तर के मतलब सही आंसर नहीं कर पाए, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब अगली बार दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे, तो आप लोग अपने ही अंक में थोड़ा आप देखेंगे दोस्तों, जो 25 अंक इस बार बन रहे हैं वो अगली बार 75 बनेंगे। देखिए दोस्तों आप एक ही वीडियो को 2-3 बार देखने से फायदा क्या होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, रट्टा मार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके अति लघु उत्तरी में काम आ सकते हैं और लघु उत्तरी प्रश्नों में भी काम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज की अगली वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।